दोस्तों आपको पता होगा मोटो Z34 को हमने 21 तारीख को ऑर्डर किया था और ये 23 तारीख को हमारे पास आ चुका था। हमने आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी डाली थी जब हमने इसको ऑर्डर किया था, तो हम ना इसको पिछले 7 दिन से कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। हमने इसके अंदर हमारी जो पर्सनल सिम कार्ड है उसको डाला और हमने टेस्ट किया सब कुछ, 5G वगैरह कैसे चलता है, कॉलिंग वगैरह कैसे होती है, प्रोसेसर वगैरह, गेमिंग वगैरह सब कुछ टेस्ट किया है। तो पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डिजाइन के बारे में। सच कहूं तो मुझे इसकी डिजाइन काफी अच्छी लगी क्योंकि इसके पीछे आपको लेदर की डिजाइन मिलती है और इस प्राइस के अंदर आपको किसी भी ब्रांड के अंदर लेदर की डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी। और जो कैमरा का मॉड्यूल है वो एकदम सिंपल बनाया गया है। अगर आपको चमकीले स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने के अंदर काफी यहाँ पे चमकीले वगैरह हो तो आप दूसरे ब्रांड की तरफ जा सकते हो, पर अगर आपको दिखने के अंदर एक प्रीमियम सा फोन चाहिए ना तो मोटो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन देखोगे राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन मिलता है। और मैंने ना काफी वीडियोज देखी, काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट है ये सही वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने इसको जितना टेस्ट किया है एकदम सही से वर्क कर रहा है, काफी फास्ट वर्क कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत तो स्लो होगा यार, 11,000 प्राइस है, पर लोग जितना बोल रहे हैं कि भाई बहुत स्लो है तो बहुत स्लो नहीं है, काफी तेजी से आपका जो फिंगरप्रिंट है वर्क कर लेगा। और राइट साइड के अंदर ही आपको वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और नीचे की साइड में आपको स्पीकर मिलते हैं। और इसके अंदर अच्छी बात है कि ड्यूल स्पीकर मिलते हैं और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। और नीचे की साइड में ना टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक और नीचे आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर या तो आप 2 सिम कार्ड डाल लीजिए या फिर 1 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। ऊपर की साइड में आपको नॉइज कैंसिलेशन का माइक भी मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको 2 माइक मिल जाते हैं। तो हमने कॉल वगैरह अच्छे से करके देखा है, कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती है। और हमने इसके अंदर 5G को भी टेस्ट किया है, हमने स्टूडियो के अंदर चेक किया तो यहाँ पे लगभग 300-350 MB यहाँ पे पर सेकंड आ जाता है। और जब हम बाहर वगैरह जाते हैं तो भी 5G अच्छे से वर्क करता है। और दोस्तों आपके एरिया वाइज होगा कि यार आपके नेटवर्क कैसा है 5G का, अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो 5G अच्छा चलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको 13 5G के बैंड्स मिलते हैं। और अगर थोड़ी सी कुछ कमियों के बारे में बात करें ना, तो यार यहाँ पे मोटो ने साथ में कवर नहीं दिया। यार कवर इसको साथ में देना चाहिए था क्योंकि मोटो के जो कवर्स है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं मार्केट के अंदर। ऑनलाइन तो और भी मिल जाते हैं पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर तो भाई साहब बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरी चीज, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कोई भी पन्नी कोई भी ग्लास वगैरह नहीं है, तो ये भी यार साथ में देना चाहिए क्योंकि यार पास में कहीं पे छोटी सिटी हो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ग्लास वगैरह इतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते। और इसके डिस्प्ले के अंदर आपको पांडा की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और दोस्तों अगर इसका वेट देखोगे ना काफी हल्का महसूस होता है, सिर्फ 182 ग्राम का है, जबकि इसके अंदर ना 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और जो 20W का चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे चार्ज भी यहाँ पे ठीक करता है, चार्जर थोड़ा कम है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे आपके लग सकते हैं 0 से 100% होने में। और जो बैटरी है ना दोस्तों वो मुझे काफी सही लगा, पूरा दिन आपके आराम से निकाल देती है अगर आप नॉर्मल यूजेस करते हो। अगर आप ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो पूरे दिन, मतलब मूवीज ही देखते हो पूरे दिन, गेमिंग ही करते हो, तो आपको पता होगा यहाँ पे चार्ज करना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अदर ब्रांड्स है उनके मुकाबले इसकी बैटरी मुझे सही लगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर तो मिलते हैं, तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज भी टेस्ट करवा देता हूँ। दोस्तों ये बंदा डेली सुबह सुबह खूबसूरत लड़कियों के लिए मोमो सुरी तो देखिए आवाज मुझे इसकी सही लगी, इसकी आवाज के अंदर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695, भाई साहब इस प्राइस के अंदर ये पहली बार ऐसा प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्योंकि जो 15,000 से 20,000 रुपए के स्मार्टफोन्स मिलते हैं उनके अंदर ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 4.5 लाख से भी ज्यादा एंटूटू स्कोर देखने को मिलते हैं और ये प्रोसेसर 6 NM पर बेस्ड है। LPDDR4X रैम मिलती है, 2.2 UFS स्टोरेज मिलती है। और दोस्तों आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो यहाँ पे हीटिंग को काफी सही से कंट्रोल कर पाता है। दोस्तों अभी सर्दियों के अंदर आपको इतना पता नहीं चलेगा पर जब हम गर्मी के अंदर खेलेंगे तो आपको पता होगा सारे स्मार्टफोन हीट होते ही है, तो नॉर्मल तो हीटिंग आपके होगी जब भी आप ज्यादा गेमिंग करोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस प्राइस के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है। और मोटो ने यह भी प्रॉमिस किया है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 15 भी देखने को मिलेगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको सिक्योर फोल्डर वगैरह की भी ऑप्शन मिल जाता है, कुछ भी आप फोल्डर वगैरह को छिपाना चाहोगे बहुत ही अच्छी तरीके से छिपा सकते हो। और यार इसके अंदर जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे ना तो अगले वाले को पता चलता है। और यहाँ पे जो एड्स है वो बहुत कम
है दूसरी ब्रांड से अगर देखेंगे, और जो फालतू के एप्स आते हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि सबसे इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं लोग वो इसके डिस्प्ले को लेकर ही है। इसके अंदर आपको 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जबकि फुल HD प्लस मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूं, पर दोस्तों यहाँ पे HD प्लस है। बस यही कमी है इसके अंदर कि HD प्लस दी गई है, पर अच्छी बात यह है दोस्तों इसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, जिससे आपका जो मोबाइल है काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। और दोस्तों इसके अंदर 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसको आप धूप वगैरह के अंदर चलाओगे तो ज्यादा कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कड़ी धूप में जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखता है अगर फुल ब्राइटनेस आपकी रहती है। और दोस्तों हमने इसके अंदर बहुत सारी मूवीज वगैरह देख के देखी है, हाँ डिटेल्स थोड़ी कम देखने को मिलती है, पर दोस्तों प्राइस के हिसाब से देखोगे तो डिस्प्ले यहाँ पे ठीक है, इतनी बुरी नहीं है जितनी लोग बता रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा ये है कि फुल HD प्लस इसके अंदर मिलना चाहिए था। पर दोस्तों इसके अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है, तो ये अच्छा लगता है, जब भी आप मूवीज वगैरह देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले यहाँ पे सही है पर फुल HD प्लस नहीं है, तो यार आप इतना तो एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन होगा वो 100% सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी जरूर मिलती है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसके पीछे आप देखोगे जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है। तो हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, एकदम बारीकी से बता सके कि इसके अंदर जो कैमरा है वो कैसा है। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये हमने नॉर्मल कैमरा से क्लिक की है, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, मतलब प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो सही है, और यहाँ पे ज्यादा जूम करने पे यहाँ पे जो फोटो है वो थोड़ी सी फटने लग जाती है। और ये हमने क्लिक की है पोर्ट्रेट के अंदर, तो ये थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ब्लर सही से हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो दोस्तों बालों के पास वगैरह में आप देखोगे ब्लर काफी अच्छे से हो चुका है, देखिए। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 10,000 रुपये के अंदर यार ऐसी फोटो आ रही है, मेरे हिसाब से मुझे कैमरा यार अच्छा लग रहा है। और ये सेल्फी के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो एकदम ओरिजिनल है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप थी तो धूप के सामने थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। और हमारे पीछे देखोगे सूरज है, ये हमने इसलिए क्लिक किया ताकि आपको पता चल सके कि लाइट को कैसे कंट्रोल कर पाता है। और ये देखिए नॉर्मल कैमरा से यहाँ पर भी डिटेल जो है वो काफी सही है, कलर थोड़े से बूस्ट नजर आते हैं पर यहाँ पर काफी अच्छी फोटो निकाल के दे देता है। और ये हमने क्लिक किया पोर्ट्रेट के अंदर, अब यहाँ पर देखोगे पीछे सूरज को भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, और यहाँ पे फोटोज आप देखोगे ज्यादा जूम करने पे थोड़ी फट जाती है, और अगर आप नॉर्मल फोटो को देखोगे काफी अच्छी निकल कर आती है। और ये फोटो हमने क्लिक की है मैक्रो से, तो मैक्रो के अंदर भी भाई साहब काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और ये फोटो हमने क्लिक की है मैक्रो से, तो मैक्रो के अंदर भी आप देखोगे काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल रही है। और सेल्फी के अंदर भी देख सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर क्लिक किया, भाई साहब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमने 10,000 रुपए के यहाँ पे स्मार्टफोन से क्लिक की है। और दोस्तों अगर जूम की बात करें तो ये हमने क्लिक किए 1x के अंदर, और ये 5x के अंदर, और ये है 8x के अंदर, तो इसके अंदर हम 8x तक ही जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूम थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता था, कम से कम 10x तो मिल ही सकता था, पर जो डिटेल से भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो 8x के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलती है, और 5x के अंदर तो भाई साहब एकदम सही फोटो आती है, तो आप 5x तक अच्छा खासा जूम कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि यार प्राइस के हिसाब से अगर फोटोज को देखे तो यार मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस बनाने हैं तो हम बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से 1080 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर बहुत ही सेटिंग के अंदर चेक किया, यहाँ पे 720 वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ वही ऑप्शन मिलता है, सिर्फ उसी के अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यार दोस्तों आपने सब कुछ देख लिया है इसका, जो हमने मतलब हमने इसके अंदर देखा वो हमने आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई मतलब कंफ्यूजन रह चुका है, कोई भी आपका सवाल रह चुका है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर मैं मेरा फाइनल रिव्यू आपको दूं कि यार ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 11,000 रुपए के अंदर इसके अंदर जो चीजें मिले, जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, वो आपको दूसरे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेंगे इस प्राइस के अंदर। और अगर कोई ब्रांड ऐसा स्मार्टफोन बना भी देती है जो मतलब फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले दे दे, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह है वो नहीं दे सकती। कोई भी ब्रांड हो वो कुछ ना कुछ तो कमी रखती ही है, क्योंकि यार सब कुछ अच्छा मिल जाएगा तो इसकी प्राइस 11,000 नहीं दोस्तों 15,000 के आसपास रहती। तो मैं यही कहना चाहूंगा अगर आपको एक नॉर्मल यूजर्स के लिए इस प्राइस के अंदर स्मार्टफोन चाहिए, 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। मुझे ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमने इस प्राइस के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन टेस्ट किए हैं, उनके अंदर यार सच में मुझे ये स्मार्टफोन अच्छा लगा। तो यार आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आपने खरीदा है, खरीदने वाले वो भी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यार आप सब्सक्राइब पता नहीं यार क्यों नहीं करते हो, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।